हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं HAP का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले इसका एक पार्ट हो चुका है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने एक ओवरव्यू दे दिया था फर्स्ट पार्ट में, फिर भी देखते हैं हम लोग। तो कनेक्टिव टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट्स डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एंड होल्ड टिश्यूज इन ऑर्गन्स फर्मली एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम मूविंग एंड शिफ्टिंग फ्रॉम देयर प्लेसेस। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये भी एक तरीके के टिश्यू होते हैं जो एक तरीके से क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, दूसरे जो हमारे क्या कहते हैं ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज़ हैं उनको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके से, और क्या करते हैं ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज़ हैं उनको ये कनेक्ट करते हैं एक को दूसरे से। जैसे ब्लड है वो भी एक तरीके से कनेक्शन का काम करता है, ठीक है ना, एक को दूसरे से। नर्व्स हैं वो कनेक्ट करते हैं, बोन है वो कनेक्ट करते हैं, ठीक, और क्या करते हैं ये ऑर्गन्स को और टिश्यूज को क्या होल्ड करके रखते हैं फर्मली, ठीक है ना, उनको पकड़ के रखते हैं, अपनी जगह से भागने नहीं देते इधर उधर। अगर ये पकड़ के ना रखे तो पता चला वो मूव करके कहीं और चला गया, समझ रहे हैं ना। तो ये जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको होल्ड करके भी रखते हैं, ठीक है ना, और उनको प्रिवेंट करते हैं अपनी जगह से इधर उधर जाने से, मूव करने से, शिफ्ट करने से, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारी हड्डियां वो खुद कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, लेकिन उनको खुद लिगामेंट्स होते हैं वो पकड़ के ना रखें अगर तो हड्डियां इधर उधर मूव कर जाएंगी। तो कनेक्टिव टिश्यू का एक काम यह भी होता है कि वो होल्ड करके रखते हैं, ठीक है ना। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। तो कनेक्टिव टिश्यू मेनली चार तरीके का होता है, एक होता है फाइबरस, दूसरा होता है बोन, तीसरा होता है ब्लड और चौथा होता है कार्टिलेज, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं। अब ये जो क्या कहते हैं फाइबरस है, ये भी चार तरीके का होता है जिनको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो एक होता है लूज फाइबरस जिसको एरियोलर भी बोलते हैं, ठीक, और दूसरा होता है एडिपोज, और तीसरा होता है रेक्टिकुलर और चौथा होता है डेंस, ठीक है ना। अभी डेंस में भी दो तरीके के होते हैं, एक रेगुलर होता है और इरेगुलर होता है, ठीक। अब दूसरा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो होता है बोन, ठीक है ना, कौन सा है बोन। अब बोन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट और दूसरा होता है स्पॉन्जी। तीसरा है ब्लड, अब ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्लाज्मा होता है और उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, और चौथा जो है कार्टिलेज। तो ये चारों जो है ना ये आते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फाइबरस के बारे में, ठीक है ना। फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम लोग क्या है फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सम ऑफ देम आर फॉलोइंग। अलग अलग तरीके के कनेक्टिव टिश्यू हैं, उनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ जो मेन मेन है, ठीक है ना। इनको अभी आप अगर याद कर लेते हैं तो काफ़ी है, ठीक। सबसे पहला क्या है लूज फाइबरस, क्या है लूज फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, इसको एरियोलर भी बोलते हैं हम लोग। तो दिस इज फाउंड बीनीथ द स्किन, ये कहाँ पे पाए जाते हैं हमारे स्किन के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो हमारी स्किन है, जो ये खाल है चमड़ी है इसके नीचे पाए जाते हैं। और कहाँ पे और कहाँ पे पाए जाते हैं, अराउंड द ऑर्गन्स टिश्यू ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसके आसपास में पाए जाते हैं, टिश्यूज जो है हमारे उसके आसपास में पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स के, और क्या है जो हमारे नर्व्स हैं या जो नर्वस सिस्टम है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं उनके इर्द गिर्द उनके आसपास में, ठीक है ना, सराउंडिंग में पाए जाते हैं, ठीक। और ये कैसा होता है, इट इज़ ए जेल लाइक और सेमी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये समझ लीजिए कि एक तरीके से ये जेल तो जानते हो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, उसी को सेमी फ्लूइड भी कह सकते हैं आप। इट इज़ कम्पोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड सेल, और ये कैसे बने रहते हैं, एक मैट्रिक्स और सेल के मिलके बने रहते हैं। अब मैट्रिक्स क्या है, जो ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जेल जैसा जो चीज़ है, जो वाटरी जो चीज़ है समझिए आप उसको, लिक्विड वाला, उसी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है ना। एक जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी शरबत बनाते हैं, कुछ घोलते हैं चीनी के, पानी के अंदर चीनी घोल रहे हैं, तो पानी आपका क्या है मैट्रिक्स है समझिए, उसके अंदर आप कुछ घोल रहे हैं, ठीक। ऐसे ही ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया और उसके अंदर सेल होते हैं, ठीक है ना, पूरे उसमें फैले होते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्पर्स। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये एक गिलास पानी है तो नीचे तो है और ऊपर नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो, हर जगह मतलब डिस्पर्स का मतलब बराबर फैले रहते हैं हर तरफ, ठीक।
अब जो मैट्रिक्स होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो वाटर का बना रहता है और फाइबर्स का बना रहता है, ठीक है ना। उसमें फाइबर्स होते हैं जैसे कि कोलेजन फाइबर हो गया, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ऐसे रेटिकुलर फाइबर्स वगैरह उसके अंदर होते हैं जो मैट्रिक्स है, और उसी के अंदर और भी कुछ सेल्स वगैरह होते हैं। अब वो सेल्स क्या है जो होते हैं, तो वो है आपका फाइब्रोब्लास्ट होता है, ठीक है ना। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, यह एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे आपका जेल और फाइबर्स जो आपके मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं वो इसी से बनते हैं, ठीक है ना। ज़रूरत पड़ने के एक एंजाइम होता है, ज़रूरत पड़ने पे इसी फाइब्रोब्लास्ट को वो क्या है मतलब जेल में कन्वर्ट कर देता है, और उसी से फाइबर भी बनते हैं। इसी फाइब्रोब्लास्ट से जो मैट्रिक्स है उसी के अंदर ये रहते हैं ये फाइब्रोब्लास्ट, और ज़रूरत पड़ने पर इनको जेल बना लिया जाता है और फाइबर बना लिया जाता है, ठीक। उसके बाद इसके अंदर और क्या होते हैं, तो एडिपोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? एडिपोसाइट्स, इसको एडिपोज भी कह सकते हैं आप, या फैट सेल भी कह सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। और किस फॉर्म में रखते हैं, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। और क्या पाए जाते हैं उसके अंदर, तो मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। ये मैं मेन बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल पाए जाते हैं। ये दोनों क्या हमारे लिए इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एंटीजन आया हमारी बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले ना मैक्रोफेजेस जाके उसके अगेंस्ट काम करते हैं। एंटीजन जैसे कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आ गया मेरे क्या कहते हैं ट्रेकिया के अंदर, ठीक है ना, जो हमारा विंड पाइप है, तो सबसे पहले मैक्रोफेजेस निकलते हैं और उसको अपने अंदर खींच लेते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। अगर वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, फिर उसके बाद आता है क्या है, मास्ट सेल। अगर वो हैंडल नहीं कर पाए तो मास्ट सेल आता है, उसको पहचानता है, रिकोगनाइज करता है, फिर एंटीबॉडीज़ वगैरह बनते हैं, फिर वहाँ पर कुछ केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं जैसे कि हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, और आगे बहुत सारा प्रोसेस होता है, इन्फ्लामेशन वगैरह होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, फिर दोबारा कभी वो आता है तो सब उसको मिलके मारते हैं। तो ये एक सिस्टम है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या और क्या होता है, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल होते हैं जो एक तरीके से फर्स्ट लाइन इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक। अब मास्ट सेल क्या है, समझिए WBCG होते हैं आपके और कुछ नहीं है। अब फाइबरस टिश्यू के अंदर जो आपका दूसरा है वो है एडिपोस टिश्यू। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जो हमारी स्किन है उसी के नीचे ये पाए जाते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, बाहर वाले नहीं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके क्या कहते हैं आसपास में पाए जाते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ फैट सेल्स, ये फैट सेल्स से बने रहते हैं जिसको एडिपोसाइट भी बोलते हैं। तो ये फैट सेल से एडिपोज टिश्यू बने रहते हैं। इट स्टोर फैट्स एंड प्रोवाइड्स इंसुलेशन, ये फैट को क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं और क्या करते हैं इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन मतलब एक तरीके से कवरिंग का काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये फैट ही होते हैं जो हमको ठंडी लगने से बचाते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक। और क्या है, इस एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, वो ठंडी वगैरह से बचाते हैं। आदमी जो मोटा होता है ना, तो वो इसी एडिपोज टिश्यू की वजह से मोटा होता है। जितना ज़्यादा वहाँ पे क्या कहते हैं फैट जमा होते रहते हैं, फैट जमा होने लगते हैं तो वो मोटा जाता है। ये पेट पे आदमी का मोटा सा हो जाता है ना, बड़ा सा पेट, तो वो क्यों होता है, ये एडिपोज टिश्यू वहाँ पे आके मतलब वो वहाँ पे क्या होता है, यही एडिपोज टिश्यू होते हैं जो जमा होते रहते हैं, फैट जमा करते रहते हैं, तो आदमी का पेट मोटा सा हो जाता है, ठीक। उसके बाद तीसरा जो आता है इसके फाइबरस के अंदर, वो आता है रेटिकुलर टिश्यूज, ठीक है ना। कौन सा है, रेटिकुलर टिश्यूज। इट इज़ मेड ऑफ ए रेटिकुलर फाइबर्स, ये रेटिकुलर फाइबर से बना रहता है। इसको रेटिकुलर फाइबर को रेटिकुलिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। किससे बना रहता है, रेटिकुलिन से बना रहता है। और ये क्या करता है, मेक्स ए नेट लाइक स्ट्रक्चर, एक नेट जैसे होता है ना, नेट जाल उस जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है ये, ठीक। इट इज़ फॉर्म्ड बाई दी ए थिन एंड ब्रांचड रेटिकुलिन, ये जो रेटिकुलिन है एक पतला सा धागा जैसे समझिए थ्रेड जैसा चीज़ है, और ये ब्रांच होता है, जैसे कि ब्रांच निकल रहा है इसमें से, इधर से फिर जुड़ रहा है, फिर यहाँ से ब्रांच निकल रहा है, तो इस तरीके से ब्रांचड ये क्या है, एक पतला और ब्रांच क्या होता है ये मतलब फाइबर होता है, उसको हम लोग रेटिकुलिन भी बोलते हैं। तो उससे ये रेटिकुलर फाइबर बनता है। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये हमारे स्प्लीन के अंदर पाए जाते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं, लिम्फ के अंदर पाए जाते हैं, लिम्फ नोड के अंदर पाए जाते हैं। और कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं। अब ये स्प्लीन, लिम्फ नोड और बोन मैरो, ये सारी चीज़ें ना आगे आने वाली हैं डिटेल में, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब हम लोग ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे तब। अब इसका फंक्शन क्या है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल,
तो ये जो है ना आपका रेटिकुलर टिश्यूज, ये ब्लड के प्रोडक्शन में भी काम करता है और क्या करता है, इट फिल्टर्स आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंजरियस सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड एंड लिम्फ। जो हमारा ब्लड है और जो लिम्फ होते हैं उसके अंदर से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई इंजरी करने वाला सब्सटेंस है तो उसको निकाल के बाहर करते हैं। चूंकि ये क्या है, नेट जैसे हैं, जाली जैसे हैं, जाल होता है ना, या क्या कहते हैं, आपने देखा होगा वो चाय पत्ती छानने वाली चीज़, तो ऐसे ही ये मतलब जाल जैसे होते हैं, उसको छान लेते हैं, कोई भी मतलब नुकसानदेह वाली चीज़ है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको छान के बाहर करते हैं बॉडी से। ब्लड तो आप जानते ही हैं किस तक, लिम्फ क्या होता है, तो ये भी ना हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने वाला एक वाटर और क्लियर, वाटरी और क्लियर सब्सटेंस होता है। इसके बारे में आगे आने वाला है तो डिटेल में वहाँ पढ़िएगा, ठीक है ना। ये भी एक तरीके से मतलब जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता ना वहाँ तक ये लिम्फ पहुँचता है और न्यूट्रिशन वगैरह को आगे बढ़ाता है। अब जो क्या कहते हैं फाइबरस में चौथा है वो है डेंस फाइबरस टिश्यू। कौन सा है? डेंस फाइबरस टिश्यू, दिस इज फॉर्म्ड बाय डेंस पैक्ड फाइबर्स। और ये डेंस इसलिए कह रहे हैं कि ये मतलब इसके जो फाइबर्स होते हैं बहुत घने होते हैं। एक तो मान लीजिए यहाँ फाइबर, एक फाइबर यहाँ पे, एक फाइबर यहाँ, और इसमें कुछ लिक्विड वगैरह जेल वगैरह भरे हुए हैं, और एक ये एकदम मतलब लाइन से ऐसे फाइबर हैं, तो ये एकदम रिजिड होगा ना, एकदम हार्ड सा होगा, थोड़ा सा टाइट होगा, तो ये डेंस हो गया, और दूर दूर है तो वो आपका डेंस नहीं है। तो ये दो तरीके के होते हैं डेंस, जो डेंस फाइबर होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है डेंस इररेगुलर फाइबरस टिश्यू, ठीक है ना, क्या है, इररेगुलर फाइबरस टिश्यू, और दूसरा होता है डेंस रेगुलर फाइबरस टिश्यू, ठीक है ना। दोनों के क्या है, फाइबर सेम है, सिर्फ क्या है कि इसमें जो फाइबर हैं वो इररेगुलर हैं, मतलब एक ऐसे पड़ा हुआ, एक ऐसे पड़ा हुआ, एक ऐसे पड़ा हुआ, एक ऐसे इधर उधर, तो ये इररेगुलर हो गया, और एक ये क्या है, ये पैरेलल, ठीक है ना, एक लाइन से पैरेलल हैं दोनों डेंस। तो जो पैरेलल है उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर, और जो इधर उधर पड़े हुए उसको बोलते हैं इररेगुलर, ठीक। तो डेंस इररेगुलर फाइबर क्या है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द इररेगुलर अरेंज्ड डेंसली पैक्ड फाइबर से बने रहते हैं, ठीक है ना। इररेगुलर हैं और अरेंज्ड हैं, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी हैं, बल्कि मान लीजिए एक एरिया है ये, ठीक है ना, तो इसी में इररेगुलर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर, कोई इधर, ऐसे, ठीक है ना, और अरेंज्ड होते हैं बहुत अच्छे से वो, और पैक्ड फाइबर होते हैं, ठीक है ना, पैक्ड फाइबर हैं, अरेंज होते हैं, लेकिन होते क्या हैं, इररेगुलर होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंस इररेगुलर फाइबर टिश्यू। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो हमारा डर्मिस होता है उसमें पाए जाते हैं, एंड कैप्सूल्स ऑफ वेरियस ऑर्गन। और कहाँ पे पाए जाते हैं, जो कैप्सूल होते हैं अलग अलग ऑर्गन के, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, तो डर्मिस क्या है, जो हमारे स्किन की, स्किन का आपने देखा होगा, तो एक होता है सबसे ऊपर वाली लेयर, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके नीचे जो लेयर होती है उसको डर्मिस बोलते हैं, फिर सबक्यूटेनियस लेयर आती है, ठीक है ना। तो डर्मिस जो है हमारी, उसमें ये पाए जाते हैं, और जो हमारे ऑर्गन के कैप्सूल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। कैप्सूल क्या है, मान लीजिए आपकी किडनी है ये, सपोज दैट, तो ये किडनी के ऊपर वाला जो मतलब लेयर होता है उसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक। पूरी किडनी है और ऊपर से जो एक उसकी कवरिंग होती है वो होता है कैप्सूल, ठीक है ना, तो उसको कवर करने में ये काम आते हैं, ठीक है ना। कैप्सूल बनते हैं जो, वो इसके बनते हैं डेंस इररेगुलर फाइबर्स के। और जो क्या कहते हैं, डेंस रेगुलर फाइबर होते हैं, दिस इज फॉर्म्ड बाय द रेगुलरली, ठीक है ना, रेगुलरली मतलब एकदम पैरेलल और अरेंज होते हैं, और डेंसली पैक्ड फाइबर होते हैं, उनसे बनता है आपका रेगुलर फाइबरस टिश्यू, ठीक। दिस डेंस वाला, डेंस रेगुलर फाइबरस टिश्यू, दिस इज फाउंड इन द टेंडन्स लिगामेंट्स एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो हमारे टेंडन होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये टेंडन क्या होते हैं, लिगामेंट क्या होते हैं, आपसे एक क्वेश्चन है, टेंडन और लिगामेंट्स ये दोनों हमारी हड्डियों से जुड़े रहते हैं, इसमें से एक है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है और एक है जो हड्डी को गोश्त से जोड़ता है। अब इसमें से एक ऐसा है, अब ये आपको बताना कमेंट करके, इसमें से एक ऐसा है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है ना, ये दो हड्डियां हैं, ठीक, ये मान लीजिए दो हड्डियां, तो एक हड्डी को हड्डी से जोड़ रहा है, और एक होता है जो यहाँ पे मसल्स होते हैं, ठीक है ना, मसल्स हैं, उस मसल्स को हड्डी से जोड़ता है। अब इनमें से आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है ना, बोन को बोन से जोड़ने में काम करता है, और कौन सा ऐसा है जो मसल्स को बोन से जोड़ने में काम करता है, ये आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू में बोन टिश्यू, अभी हम लोग पढ़ रहे थे फाइबरस टिश्यू के बारे में, ठीक है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे बोन टिश्यू के बारे में।
बोन भी क्या एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। बोन क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन इज ए हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उन सब में हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, नहीं, हार्डेस्ट सब्सटेंस तो कुछ और है, हमारे टीथ हैं, लेकिन ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और एक तरीके से प्रोटेक्शन भी देता है। जैसे कि हमारी खोपड़ी है तो ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, वो भी एक क्या है, बोन है, ठीक है ना। और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है, यानी हमको एक स्ट्रक्चर देता है, एक ढांचा देता है। अगर हड्डियां ना हो तो आदमी का गोश्त ऐसे ही सारा जैसे एक पास में सिकुड़ जाएगा, ठीक। और क्या है, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो इसी के अंदर बनते हैं, ठीक है ना, हड्डियों के अंदर ही बनते हैं। जो लॉन्ग, जो बड़ी हड्डियां होती हैं, जैसे कि हमारी थाई वाली हो गई, ये वाली हड्डियां हो गई, ठीक है ना। तो जो बड़ी हड्डियां होती हैं उसमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ब्लड का नहीं, ब्लड सेल्स जो होते हैं, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, उनका फॉर्मेशन होता है ब्लड, क्या कहते हैं, बोन के अंदर। और वो भी कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। कहाँ पे होता है, बोन मैरो के अंदर। अब जो बोन्स हैं दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के आपको दिखेंगे नहीं, एक ही तरीके का आपको बाहर से दिखता है, एक अंदर होता है। तो एक होता है कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू और दूसरा होता है स्पॉन्जी बोन टिश्यू, ठीक है। आपको ऐसे समझिए कि ये एक आपका बोन है, ठीक है ना, ये बोन हो गया। तो ये अब इसके अंदर एक खाली सी जगह भी रहती है, कई बार देखा होगा आपने, और यहाँ पे कुछ ऐसे जाली जाली जैसी चीज रहती है, लाल लाल सा, अगर आपने कभी देखा होगा अंदर से, इसको लेग पीस खाया होगा तो देखते होंगे कि ऐसे किनारों पे, हड्डियों पे ऐसे जाली जाली सी रहती है, लाल लाल सी कलर की, ठीक है ना। और एक इधर से होता है ये मोटा मोटा सा इधर से, और ये बीच में कुछ खाली जगह रहती है, कुछ लिक्विड वगैरह होते हैं इसमें। ये जो होते हैं खास तौर से वो फैटी होते हैं, जिसको एडिपोसाइट्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं, लेकिन ये भी मतलब ज़्यादातर अमाउंट इसमें फैट का होता है। अब ये जो है ना, ये जो मजबूत वाला हिस्सा है, ये होता है आपका कॉम्पैक्ट टिश्यू, ठीक है ना। ये जो मजबूत वाला है, हार्ड वाला है, ये कॉम्पैक्ट होता है। और ये जो आपको जाली जैसा दिखता है, ठीक है ना, मच्छरदानी को अगर ऐसे क्या कहते हैं, मतलब मोड़ के और वहां पर रख दिया जाए तो वैसे ही दिखता है ये, तो ये होता है आपका स्पॉन्जी। ब्लड का फॉर्मेशन यही बोन मैरो है, और यहीं पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ब्लड सेल्स, ब्लड नहीं सॉरी, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन इसी में होता है, ठीक है ना, ये जो आपका स्पॉन्जी वाला है। अब ये कॉम्पैक्ट बोन क्या है, तो इट फॉर्म्स ए हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन, ठीक है ना। ये जो बोन है उसका एक हार्ड और आउटर लेयर बनाता है, ये बाहर वाला आउटर लेयर ऑफ बोन बनाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑस्टियोन्स, और ये जो बना रहता है ना, ये ऑस्टियोन से मिलके बना रहता है। इसके समझिए कि जो बेसिक यूनिट्स हैं जिससे ये मिलके बना है, वो क्या होते हैं, ऑस्टियोन होते हैं, जिसको हेवर्सियन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेवर्सियन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, अब ये ना इसमें ये सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ऐसे ही ये जो सेल होते हैं ना, ये बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंडर जैसे, ऐसे सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं ऑस्टियोन्स। और ये ना कई लेयर में होते हैं, ऐसे लेयर होता है इसके ऊपर, ऐसे लेयर होता है, ठीक है ना। अब बीच में खाली जगह होती है, बीच में क्या होती है, खाली जगह होती है, जिसमें नर्व्स वगैरह होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स पहुंचते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, जिसके इसके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स पहुंचते हैं। तो ये जो आप कहें ना, ये ऑस्टियोन बोलते हैं इसको, और ये जो बीच में खाली जगह होती है उसको बोलते हैं हेवर्सियन कैनाल। क्या बोलते हैं, हेवर्सियन कैनाल बोलते हैं, ठीक। और हर एक ये जो लेयर है ना, हर एक लेयर को लेमले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेमली, लेमले, जो भी बोलिए आप, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं, ये थोड़े से एक दो टर्म्स है, अगर याद हो जाए तो ठीक है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको ऑस्टियोन समझ में आ गया, हाइवर्सियन, हाइवर्सियन सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है ना। ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, और बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हैं, ये सब ऐसे ऐसे रहते हैं इसमें। तो ये ऑस्टियोन सेल से मिलकर बने रहते हैं, और उसमें क्या होता है, कोलेजन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब ना इसको मतलब हार्ड बनाते हैं, जो ये रिजिड होता है, एकदम हार्ड जैसा होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इन्हीं की वजह से होता है। इसके अंदर क्या कहते हैं, कोलेजन भी होता है, और भी कुछ दूसरे मटेरियल्स होते हैं, ठीक। और इसके अंदर अब दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं स्पॉन्जी वाला, ठीक है ना। स्पॉन्जी बोन टिश्यू जो अंदर वाला है, तो इट इज़ द इनर पार्ट ऑफ द बोन, ये इनर वाला हिस्सा होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, इसमें होता है ट्रेबिक्यूले, क्या होता है, ट्रेबिक्यूले, ए थिन ब्रांच बोन लाइक प्लेट्स। अब ये ट्रेबिक्यूले क्या होता है, तो यही जो आपको ये दिख रहा है ना, ये ऐसे ब्रांच ब्रांच से रहते हैं, ये ब्रांच निकले रहते हैं इधर से उधर से ऐसे, इसको आप ऐसे समझिए कि ये इधर ब्रांच निकल रहा है, इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है ना। तो ये जो होता है आपका ट्रेबिक्यूले होता है, ये जो है, ठीक है ना।
ये एक बोन लाइक स्ट्रक्चर, ये भी क्या है तरीके से बोन ही होता है, और ये क्या है पतले पतले थिन पतले पतले ब्रांच निकले रहते हैं, ठीक है ना, बोन ही समझिए हैं, ब्रांच क्या निकले हुए हैं, ब्रांच मतलब इधर उधर से निकलते हैं उसको बोलते हैं ब्रांच, डालियां निकलती है, शाख निकलते हैं, तो वो ऐसा रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेबिक्यूले, ठीक है ना। और उसके अलावा इसमें क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है, इट हैव स्टेम सेल, ये क्या रखता है स्टेम सेल होता है, जहां से मतलब क्या है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, स्टेम सेल से ही ब्लड फॉर्मेशन होता है, और स्टेम सेल से ही क्या है असल बोन मैरो से नहीं होता है, असल बोन मैरो एक जगह है जहां पे फॉर्मेशन होता है, और कौन करता है असल रेस्पॉन्सिबल कौन होता है ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, वो होते हैं स्टेम सेल्स, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें क्या है येलो बोन मैरो भी होते हैं, इट इज फाउंड इन दी सेंट्रल कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये जो जगह है ना खाली जगह इसको बोलते हैं सेंट्रल कैविटी, तो वहां पे पाया जाता है आपका येलो बोन मैरो, ठीक है ना। और इट इज मेनली कंपोज्ड, ये कंपोज्ड है, ये यानी कहाँ से आ गया, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द फैट सेल, ठीक है ना। और ये जो इसके अंदर जो मैट्रिक्स दिखता आपको पीला पीला सा, उसको बोलते हैं येलो बोन मैरो, ठीक है ना। और ये क्या होता है ज्यादातर ये फैट होता है, ठीक है ना, किसका बना रहता है ये फैट का बना रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, क्या पढ़ रहे हैं कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, तो ये जो आपके बोन होते हैं ना ये बोन से ही कनेक्ट रहते हैं आपके कार्टिलेज, देखा होगा कि मान लीजिए आपका ज्वाइंट है कोई भी, ठीक है ना, ये ज्वाइंट होते हैं तो इस पे व्हाइट व्हाइट सा लगा रहता है जो कार्टिलेज होता है, इधर मान लीजिए ज्वाइंट है दोनों तरफ से हड्डियां आपकी, तो यहाँ पे ना व्हाइट व्हाइट सा लगा रहता है तो वो क्या होता है आपका कार्टिलेज होता है। और इसके बीच में फ्लूइड वगैरह भी होते हैं यहाँ पे, ये जब ऐसे बंद रहता है इसमें फ्लूइड वगैरह होते हैं, तो एक तरीके से ये क्या है हड्डियों को आपस में टकराने नहीं देता है, ठीक है ना, हड्डियों को आपस में टकराने नहीं देता है, और एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी यानी आराम से वो मूव कर सकें वो उसको मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज इज ए फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, फाउंड एट दी डिफरेंट प्लेसेज ऑफ द बॉडी, और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये पाए जाते हैं, जैसे कि एट द एंड ऑफ द बोन्स, हमारी बोन हमारे जो बोन है हड्डियाँ हैं उनके एंड्स में पाए जाते हैं, जैसे ज्वाइंट वगैरह पे हो गया, ऐसे ही जो हमारी नोज है उसके टिप पे पाया जाता है, ऐसे हमारे जो क्या कहते हैं ये पिन्ना होता है ईयर का, ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना इसको पिन्ना बोलते हैं, तो यहाँ पे पाया जाता है। ऐसे क्या है जो ट्रेकिया है, ठीक है ना, ट्रेकिया के अंदर पाया जाता है, ट्रेकिया क्या है जो विंड पाइप है, तो उसमें देखते होंगे ऐसे रिंग रिंग सा बना रहता है, वो मसल्स हैं और मसल्स के अंदर रिंग सा रहता है जो उनको चिपकने नहीं देता है, अगर वो ना हो तो चिपक जाएंगे, आदमी सांस नहीं ले पाएगा, मर जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वो ट्रेकिया भी किसका रहता है कार्टिलेज का रहता है। और क्या है जो वर्टेब्रे होता है हम लोगों का, रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कार्टिलेज पाया जाता है, उसके जो डिस्क होते हैं वो सब कार्टिलेज के होते हैं, ऐसे जो हमारी रिब्स हैं जो पसलियां हैं वो भी किसकी होती हैं कार्टिलेज की होती हैं, ऐसे हमारा जो पिन्ना है उसमें होता है, ठीक है ना। अब ये तीन तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं हायलिन, ये कहाँ पर पाया जाता है, इट फॉर्म्स अ कवरिंग ऑफ एंड ऑफ द बोन्स एंड ज्वाइंट्स, ये जो ज्वाइंट्स भी पाए जाते हैं ना कवरिंग, जो ज्वाइंट्स के एंड को कवर करते हैं उसको बोलते हैं हायलिन, ठीक है ना, उसके बने रहते हैं वो। दूसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज, इट फॉर्म्स इंट्रा वर्टेब्रल डिस्क ऑफ दी वर्टेब्रल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर जो डिस्क होते हैं, जैसे कि मान लीजिए रीढ़ की हड्डी ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे रहती हैं उसको बोलते हैं डिस्क, ठीक। तो ये जो डिस्क होती है वो किसकी बन जाती है, फाइब्रो कार्टिलेज की। और तीसरा होता है इलास्टिक, इट इज प्रेजेंट इन पिन्ना, जो पिन्ना होता है हमारा ईयर वाला, ये वाला हिस्सा यहाँ पे पाया जाता है इलास्टिक वाला, और जो हमारा लेरिंग्स होता है जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। अब चौथा जो है कनेक्टिव टिश्यू में वो होता है ब्लड, हमारा ब्लड के बारे में डिटेल में पूरा चैप्टर आने वाला है, पांचवा चैप्टर है शायद, तो वहाँ पे पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसकी हम लोग, ठीक है ना। सिर्फ इसको एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, अगर मान लीजिए कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूछता है तो आप इतना लिख देंगे काम चलेगा आपका, ठीक है ना। तो ब्लड इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये एक क्या है रेड कलर्ड और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना, रेड कलर है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड क्या है एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। इट सर्कुलेट्स इन दी ब्लड वेसल्स, और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी नसें हैं उसके अंदर ये सर्कुलेट करता है, यानी घूमता है थ्रू आउट दी बॉडी, और पूरी बॉडी के अंदर घूमता है, और इसका काम क्या होता है जो हमारा ब्लड है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे कि मान लीजिए हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेके जाता है, ठीक है ना, और जहाँ टिश्यू तक पहुँचा रहा है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, और वहाँ पर टिश्यूज़ जो हैं वो क्या है ग्लूकोज को क्या है अपना एटीपी बनाने के लिए यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसको भी लेके आ रहा है, और क्या कहते हैं मान लीजिए कोई और वेस्ट मतलब बनता है, जैसे कि मान लीजिए
क्रिएटिनिन बन रहा है, तो उसको निकाल के बाहर करना है, तो उसको लेके ब्लड को किडनी तक पहुंचाते हैं, किडनी वहां से छान को उसको बाहर करती है, समझ रहे हैं ना। तो जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है उसको भी बाहर निकालना है, तो उसको भी लेके चलती है। ऐसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और क्या कहते हैं ऑक्सीजन को लेके ही ट्रांसपोर्ट करती है, ऐसे ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रही है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, हॉर्मोन्स हैं, ठीक है ना। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। अगर ब्लड को क्लासिफाई किया जाए तो ये दो तरीके से चीज़ों से मिलके बना रहता है, एक होता है इसका प्लाज्मा, ठीक है ना, जो कि 55% होता है, और दूसरे होते हैं ब्लड सेल्स जो कि 45% होते हैं। जो लिक्विड वाला हिस्सा है इसका वो होता है प्लाज्मा, ठीक है ना, प्लाज्मा बोलते हैं लिक्विड वाले को, ठीक है ना। और ब्लड सेल्स जो WBC RBC और क्या कहते हैं आपके प्लेटलेट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स। अभी जो प्लाज्मा होता है ये क्या है, लिक्विड पोजीशन है, ये पोर्शन है, क्या है पोर्शन, ये क्या होता है लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, जो जिसके अंदर क्या होता है वाटर होता है, ठीक है ना। और क्या होता है इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, ठीक है ना। उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, एंटीबॉडीज हो गए, और इसके अलावा और वेस्ट मटेरियल भी इसके अंदर रहते हैं, जैसे कि क्रिएटिनिन हो गया, अमोनिया हो गया, उनको बाहर निकालना है, तो वो भी ब्लड क्या है उनको ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसके अंदर ही तो रहते हैं, फिर जाते हैं वो किडनी तक, जाना है तो किडनी तक जाते हैं, लीवर तक कोई चीज़ को ले जाना है तो लीवर तक लेके जाता है ये, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक था आपका कनेक्टिव टिश्यू वो यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।